नमस्कार, मैं हूँ दीपा। निर्मल क्रिएशंस एंड लाइफस्टाइल ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं शकरकंद का फराली उपमा, रताड़ू सा कीस। शकरकंद को स्वीट पोटैटो के नाम से भी जाना जाता है और इसमें ऊर्जा का खजाना होता है। अक्सर लोग आलू के साथ इसे कंपेयर करते हैं, पर रताड़ू के शकरकंद के पोषक तत्व और स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत ज़्यादा इसमें फायदे हैं। विटामिन ए और सी का बेहतरीन स्रोत होने के अलावा शकरकंद फाइबर, विटामिन B6 और पोटेशियम का भी अच्छा स्रोत है। शकरकंद आमतौर पर नियमित आलू की तुलना में स्वस्थ है, इसे डायबिटीज पेशेंट भी खा सकता है। तो चलिए शुरू करते बनाना शकरकंद का उपमा। 2 से 3 चम्मच जितना घी डालेंगे, उसमें 1/2 चम्मच जीरा और 1 चॉप्ड हरी मिर्च डालेंगे। उसको अच्छे से सॉटे करेंगे। उसके बाद में हमने 250 ग्राम जितनी शकरकंद ग्रेट करके रखे हैं वो आप इसमें डालेंगे। अच्छे से मिलाएंगे, मिक्स करेंगे। शकरकंद के बहुत फरारी व्यंजन बनते हैं, जैसे कि हलवा है, खीर है, रबड़ी, फिर इसका चाट। आज हम बना रहे हैं इसका उपमा। बहुत ही टेस्टी और इजी टू मेक है। जैसे थोड़ा सा ये सिक जाए तो उसके अंदर हम डालेंगे मूंगफली का पाउडर। मूंगफली को थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, सेक लेंगे और उसका पाउडर बना लेंगे। याद तक ऐसा 2 से 3 चमचे शेंगदाने सा कूट। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। फ्रेंड्स, जर तुम्ही माझ्या चॅनल करता नवीन आहात तर प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकन प्रेस करा। जैसे शकरकंद पकने लगेगा उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। जब थोड़ी क्वांटिटी कम हो जाएगी उसके बाद में हम उसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार और अच्छे से मिक्स करेंगे। रताळूच्या कीसला चांगलं परतायचं आणि त्याची क्वांटिटी कमी झाल्यानंतरच मीठ टाकायचं। फिर इसमें डालेंगे बादाम, किशमिश और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिली पाउडर डालते समय ख्याल रखिएगा, हमने हरी मिर्च के टुकड़े डाले थे तो हिसाब से कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। अब अच्छे से मिक्स कर लीजिए अभी इसके अंदर डालना है लेमन जूस। लगभग 3-4 चम्मच जितना हम लेमन जूस डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद में एक थाली से इसे कवर करके 2 से 3 मिनट तक कुक होने देंगे। लो फ्रेंड्स, हमारा ये उपमा बनकर तैयार है। आशा है आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी और मैंने जो आपको शकरकंद स्वीट पोटैटो के बारे में इन्फॉर्मेशन दी वो भी यूज़फुल होगी। फिर मिलते हैं ऐसी ही अनोखी और बढ़िया हेल्दी रेसिपी के साथ। Thank you for watching my video. Bye bye. Take care.